मधुसूदनगढ़ में राजगढ़ लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी और बल्लू चौहान द्वारा आज रिबन काट कर मधुसूदनगढ़ में कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें आसपास के कांग्रेसी कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की और चुनाव में आगे की रणनीति बनाई। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुई राजगढ़ लोकसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी। सबसे बड़ी तो उनकी यही समस्या है कि वो लापता रहे, 5 साल तक दर्शन ही नहीं किए उन्होंने जनता के, और जनता ये कह रही है कि हमें उनकी शक्ल ही याद नहीं है, काम क्या करेंगे वो जब उनकी उन्होंने दौरा ही नहीं किया, और अब आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, तो जनता भी पब्लिक है, सब जानती है, जवाब दे रही है अच्छी तरह से उनको। भाभी जी, आपको शायद याद होगा सांसद जी ने एक गांव भी गोद लिया था, तो उस गांव में क्या आपने दौरा किया या जनसंपर्क किया, तो क्या कुछ कमियां निकली उस गांव में? संडौता गांव है जी, संडौता गांव में सिर्फ कागज की लिखा पड़ी है, कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा बदहाली संडौता में है। आप संडौता में जैसे ही घुसेंगे आपको इतनी गंदगी मिलेगी मैं बता नहीं सकती। पता नहीं गोद लिया है और वो कभी देखने भी नहीं गए उस गांव को, बेचारा दुर्भाग्य है संडौता गांव का, क्योंकि किसी और ने भी ध्यान नहीं दिया कि सांसद जी ने गोद लिया। अब उसकी स्थिति देखिए आप, तो बहुत शर्म आती है देख के। अब आप अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगी, अब वोटिंग होने को है? मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि जो सांसद जी हैं उनका चेहरा आप देख रहे होंगे कि सामने नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पे देखिए, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पे, वो बोल उन लोगों का कहना है कि आप प्रत्याशी को मत देखिए, आप मोदी को देखिए। आपको एक बात बताऊँ, हमारे गांव के एक छोटे से बच्चे ने उसका जवाब दिया कि साहब जब बच्ची की शादी करते हैं तो लड़के को देखते हैं, लड़के के पिताजी को नहीं देखते हैं, और हम प्रत्याशी को देखते ही वोट देंगे, वो भुगत भोगी है। मधुसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर टोनी शाह की रिपोर्ट।